प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। तो बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा नया टॉपिक है सरकारी या दफ्तरी हुदूद। पहले जो हमने चार पांच वीडियोस में हमने किया निजी हुदूद के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों किस बारे में, सरकारी हुदूद यानी दफ्तरी हुदूद। तो आज का हमारा जो ये है सरकारी हुदूद है, ये अपने हेडमास्टर के नाम आप एक दरख्वास्त लिखेंगे और उन्हें फीस माफ करने की दरख्वास्त करेंगे। एक दरख्वास्त देंगे अपने हेडमास्टर के नाम फीस माफ करवाने की दरख्वास्त लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले आप लिखेंगे बहिदमत जनाब हेडमास्टर साहब गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल चित्रकोट करना, ठीक है ना। उसके बाद इसको जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे दरख्वास्त ब्राय फीस माफ, ठीक है ना। ये जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, किस बारे में दरख्वास्त लिखी गई, यहाँ पे तो आपने हवाला दिया अपने हेडमास्टर का जिनके नाम आप ये लिखने जा रहे हैं, ये दरख्वास्त लिखने जा रहे हैं, ये उनका हवाला दिया और यहाँ पे सब्जेक्ट है, दरख्वास्त किस बारे में है, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखेंगे जनाबे आली मुदबाना गुजारिश खिदमत यू है कि नियाजमंद या नियाजमंदा, लड़का होगा तो वो लिखेगा नियाजमंद, लड़की जो होगी उसके लिए है नियाजमंदा, ठीक है ना। नियाजमंद या नियाजमंदा एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ, लड़का होगा तो लिखेगा रखता हूँ, लड़की होगी तो वो लिखेगी रखती हूँ। नियाजमंद या नियाजमंदा का वालिद एक गरीब शख्स है जो मुश्किल से घरेलू अखराजात पूरे करता है। ये लिखता है कि मैं एक आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आपने हेडमास्टर के नाम लिख रहा है लड़का, कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मैं एक गरीब घर से हूँ, लड़का होगा तो वो लिखेगा रखता हूँ, लड़की होगी तो वो बोलेगी रखती हूँ। तो ये नियाजमंद और या लड़का होगा नियाजमंद, लड़की होगी नियाजमंद, मंदा का वालिद एक गरीब शख्स है जो मुश्किल से घरेलू अखराजात पूरे करता है। ये लिखता है अपने हेडमास्टर को कि मैं अपने मतलब एक गरीब घर से एक गरीब शख्स का बेटा हूँ, मेरा बाप एक गरीब शख्स है जो मुश्किल से घरेलू अखराजात पूरे करता है, आज की इस महंगाई के दौर में तो आपको पता ही है, और उनकी माली हालत ठीक नहीं है इसलिए वो मेरी स्कूल की फीस अदा नहीं कर सकते। उनकी माली हालत क्या है, खराब है, जिसकी वजह से वो मेरी स्कूल की फीस अदा नहीं कर सकते, लिहाजा जनाबे वाला से बजरिए दरख्वास्त इस्तदा करता हूँ, लड़का लिखेगा लड़की होगी तो वो लिखेगी करती हूँ, कि नियाजमंद या नियाजमंदा की सालाना स्कूल फीस माफ फरमाई जाए। जनाब की आईन नवाजिश होगी, लास्ट पर लिखेंगे अर्जी नियाजमंद, लड़का होगा तो लिखेगा अर्जी नियाजमंद, लड़की होगी तो लिखेगी अर्जी नियाजमंदा। तो नीचे आप अपना नाम अपना नाम क्लास रोल नंबर लिख सकते हैं, और अगर एग्जाम में होंगे तो लिखेंगे आप अल्लाह बे जी, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज ये सरकारी हदूद। तो आपने अपने हेडमास्टर के नाम पे एक दरख्वास्त लिखी जिसमें आपने अपनी फीस माफ करवाने के लिए उनसे मुतालबा किया। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप उठा लीजिए, तो आप अपनी जो आपकी उर्दू की ग्रामर कापी है उस पर आप ये लिख लें, ये मेंटेन करें उस कॉपी को, ताकि एग्जाम में आपकी मदद कर सके, ठीक है ना। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तो दूसरी सरकारी खत के इसके साथ, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।